इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले से आ रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में एक बड़े एनकाउंटर की खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों की एक टीम ने बांदीपुरा जिले के एक इलाके में बड़ा एनकाउंटर किया है जिसमें से एक आतंकी को ढेर कर दिया। आपको बता दें इलाके में दो आतंकियों के छुपे होने की खबर जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में घेराबंदी कर गई और अभी भी लगातार दूसरे आतंकी के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी। आपको बता दें रविवार को ही गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसके बाद आज एक एनकाउंटर की खबर जो है सामने आ रही है। एक बांदीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने और स्थानीय पुलिस की टीम ने मिलकर के एक आतंकी को ढेर किया। आपको बता दें सुरक्षा बलों की टीम का कहना है कि उनको ड्रोन के जरिए आतंकी का शव जो है वो देखने को मिला है, जिसकी पुष्टि होती है कि एक आतंकी जो है वो ढेर हो चुका है और वहीं दूसरे आतंकी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। आपको बता दें लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। हाल ही में जिस दिन नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी उसी दिन शिवखोड़ा इलाके में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 40 से 45 लोग जो थे इस पूरे हादसे में घायल हुए थे। वहीं आपको बता दें बांदीपोरा जिले में सर्च ऑपरेशन के जरिए दूसरे आतंकी की तलाश की जा रही है और पहले आतंकी को सुरक्षा बल जो है वो ढेर कर चुका है।